बारे में बताने वाले हैं जो आए दिन थायराइड की समस्याओं से पीड़ित है पेशेंट। तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हो, उनको थायराइड की समस्या से वो परेशान है। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप कुछ दवाइयां लो थायराइड की और कुछ योगासन करो, जिसमें से हलासन मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन है जो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अब क्या करते हैं वो लोग, थायराइड का जो आसन है हलासन, वो बिना शिक्षक के, बिना योग टीचर के संपर्क में आए कर लेते हैं, जिससे उन्हें नहीं पता चलता है कि वो हलासन के पहले प्री वर्कआउट क्या करना चाहिए और पोस्ट वर्कआउट क्या करना चाहिए। आज हम आपको वही सुधार लाने के लिए ये वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारा होल वीडियो हलासन का कैसा होगा और क्या किया जाएगा। तो आप हमारे इस वीडियो में आगे के लिए बने रहे, वो हम आपको वीडियो करके दिखाते हैं। हलासन के पहले कुछ ऐसे सूज व्यायाम हम आपको करके दिखाते हैं। पहला रहेगा वन लेग रेस 5 से 10 टाइम। उसके बाद रहेगा हम अपने सेम हैंड से उसको टच करेंगे, जिससे कि हमारी स्पाइन मसल्स रिलैक्स हो सके, एक्टिवेट हो सके हलासन के लिए। या आप उसको सेम हैंड से कर सकते हैं या अपोजिट हैंड से कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद आप बोथ लेग से भी यह रेस कर सकते हैं, यानी कि डबल लेग रेस। ये डबल लेग रेस अपने अकॉर्डिंग 5 से 10 टाइम आप कर सकते हो। ये करने के बाद आपको पश्चिमोत्तानासन एंड हलासन की प्रैक्टिस करनी है। वेग के साथ और फास्ट तरीके से अपने बॉडी को मूवमेंट में लाना है। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों को टच करना है। श्वास लेते हुए पैर उठाया, श्वास छोड़ते हुए पैर को टच करना है। ऐसा आप 5 से 10 बार करोगे, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी लूज हो जाए और आप हलासन की क्रिया करने में सक्षम हो जाए। ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद ही हम सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा और हलासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम धीरे से सर्वांगासन के लिए रेडी होंगे। पैरों को श्वास लेते हुए उठाएंगे और धीरे से उसे हलासन की स्थिति में लेके जाएंगे। हमने आपको तुरंत तुरंत करके दिखा दिया है, लेकिन आप यह क्रिया किसी शिक्षक गुरु के संपर्क में ही करें। आपको यह प्रैक्टिस 1 महीने के बाद ही आप हलासन की प्रैक्टिस में जाएंगे। 1 महीने की सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही आप हलासन की क्रिया करने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। श्वास लेते हुए पाँव को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे रखना है। फिर धीरे से श्वास लेते हुए पैरों को समांतर उठाइए। सर्वांगासन की स्थिति में होते हुए पैरों को पीछे की ओर सिर की तरफ ले जाएं। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श कराएं। ध्यान रहे इस स्थिति में पैरों को लंबवत ही मोड़कर जमीन पर स्पर्श करना है। इस स्थिति में जालंधर बंद अपने आप लग जाता है, यानी श्वास रुक जाता है। हाथों की स्थिति 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहली स्थिति में हाथ जमीन पर या नितंब के नीचे रहने दें। दूसरी स्थिति में अपने हाथों को पैरों के पंजों को स्पर्श करें। लगभग 10 से 15 सेकंड की स्थिति के बाद धीरे धीरे आप वापस अपने स्थिति में आ जाएं। श्वास क्रम समय पूर्ण स्थिति में जाते समय श्वास अंदर रोके एवं पूर्ण स्थिति बनाए बन जाने के बाद धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करें व मूल स्थिति में वापस आते समय अतः कुंभक करें। अभ्यास हो जाने पर 5 से 7 मिनट तक हलासन की स्थिति में ही रहें और ध्यान विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाएं। लाभ, यह आसन भी यौवन प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी एवं कमर को बुढ़ापे तक झुकने नहीं देता है। हृदय एवं पीठ को बल प्रदान करता है। रक्त को पूर्ण संचार कर चेहरों को निखार बढ़ाता है। यह आसन करने से हमारी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, यानी थायराइड की समस्या हमारी थायराइड की समस्या को दूर करता है। कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। ग्रीवा संबंधी रोगों को दूर करता है। गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है और कब्ज नाशक है। किडनी को सुचारू करता है, मोटापा को दूर करता है। हलासन के बारे में
वीडियो पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत रहना, ए टू जेड शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो जब तक आप देख नहीं लेना, तब उसके बाद ही अपने आप को सेटिस्फाई करना। दूसरी बात, ये वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताया कि थायराइड के बारे में, जो आजकल के छोटी बच्चियों से लेकर के औरतों में पुरुषों में ये समस्याएं दिखाई दे रही है, और उस समस्याओं को दूर करने के लिए हालासन में क्या प्री वर्कआउट करना है और क्या पोस्ट वर्कआउट करना है, वो मैंने बाकायदे मेंशन किया है, जिससे कि आपकी जो शरीर की समस्या है, कभी कभी कोई मसल्स या लिगामेंट हमारे खींच जाते हैं, उस चीजों के प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो बाकायदे हमने इसमें दिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है हमारे इस वीडियो के बारे में, थायराइड के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, तो आप मुझे फोन कर सकते हो, मैंने उसमें नंबर दिया है, और कुछ भी क्वेरीज होगी या क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, आप मेंशन कर सकते हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे आप बताएं, फीडबैक दें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।